थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, एक आध कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग किस में जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, लिख लेते हैं इसको, चलो डायरेक्टर सर्कल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टर सर्कल आने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया, यहाँ से मैंने क्या किया, पैर ऑफ टेंजेंस ड्रॉप कर दिए। ओके, पैर ऑफ टेंजेंस ड्रॉप कर दिया, मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर ये एंगल पूरा कितना है, थीटा है। ओके, तो मतलब मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि चलो मैंने ऐसा पूछ लिया कि फाइंड द लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पी अगर वो हमेशा ही क्या करेगा, थीटा इन्वॉल्व करेगा, मतलब उनके टेंजेंस के बीच में क्या करेगा, थीटा इन्वॉल्व करेगा। तो तुम देख सकते हो कि अगर समझो ये वाला पॉइंट इधर भी होता, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर इधर भी होता तो तुम क्या करते, इसको ऐसे बनाते, इसको ऐसे बनाते, तो ये कितना होता, ये थीटा होता। कैसे बोल दिया मैंने, फाइंड द लोकस ऑफ ऑफ अ पी, ओके, इफ इट इन्वॉल्व्स अ थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये भी कितना होता है, पी हो जाता। फिर यहाँ पर तुम क्या करो, चलो यहाँ पर बना दिया, तो भी तुमने यहाँ पर इसको ऐसे खींचा, इसको ऐसे खींचा, ये हमेशा क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो तुम देख के बोल सकते हो कि देखो अगर इस तरह से मैं बनाते जा रहा हूँ तो मतलब बेसिकली एक सर्कल ही बन रहा है इसका लोकस, ऐसे कुछ बन रहा है ये, ठीक है, इस तरह से एक सर्कल ही बन रहा है ये, मतलब इसका लोकस मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल ही मिलेगा। मतलब अगर मैंने एक ऐसा पॉइंट चूज किया जिसके लिए हमेशा यहाँ पर पैर ऑफ टेंजेंस के बीच में अगर एंगल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या बोल दिया, अगर एंगल कांस्टेंट रहेगा तो उसका लोकस किस पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। अब मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर थीटा क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ये इस डायग्राम को चलो फिर से बना दिया ऐसे अच्छे से, ठीक है, ऐसे बना दिया। ये मैंने क्या बोल दिया, दिस इज आर, ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, इसको भी यहाँ पर मैंने ऐसे किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई टू हो जाएगा, ये थीटा बाई टू हो जाएगा। इस बारे में हमने बात किया था कि सेंटर से अगर तुम वहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट पे लाइन खींचते हो तो वो इसको बाईसेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसको किया तो ये भी क्या है, ये भी आर है, ये भी थीटा है, ठीक है, यहाँ पॉइंट कितना है, पी है। अच्छा मुझे बताओ, इसका जो सेंटर होगा वही तो इसका सेंटर होगा, तुम दिख रहा है यहाँ पर सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक तो बन ही रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया, अगर इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है तो इस वाले जो सर्कल का, कौन से वाले सर्कल का, जो ब्लू वाला सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, ब्लू वाली जो लाइन से बनाया, उसका भी यहाँ पर सेंटर कितना हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा ही हो जाएगा। बस मुझे क्या करना है, रेडियस निकालना है। क्यों रेडियस निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, सर्कल थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पर रेडियस क्या होगा, आप देखो ध्यान दो, इस केस में यहाँ पर रेडियस होगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ पर पी सी हो जाएगा रेडियस। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो क्या किया, अब देखो इसको पी सी को कैसे निकाला, ये आर है, ये थीटा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, किसके लिए लिख लिया, चलो ऐसे लिख लिया, साइन थीटा बाई टू, क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट यहाँ पर क्या है, आर है, और हाइपोटेन्यूस तो यहाँ पर क्या है, पी सी है, ठीक है, पी सी है। तो पी सी कितना आ गया, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा आर कोसेक थीटा बाई टू, इस साइड आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया, रेडियस मिल गया, सेंटर में पता है, तो मैं इसका लोकस लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मुझे एच कॉमा के लेने की जरूरत नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने ज्योमेट्री से ही निकाल दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर नोटिस करो कि देखो यहाँ पर अभी मैंने क्या बोला था कि थीटा तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट ही है ये, ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये जो समझ में आता है, मतलब थीटा कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि यार ये वाला, अगर देखो अगर थीटा मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट, यहाँ देखो यहाँ ध्यान दो, तो ये वाला पॉइंट आगे पीछे मूव कर जाएगा अगर थीटा कॉन्स्टेंट नहीं हुआ तो। मतलब अगर आगे मूव किया तो थीटा और कम होता जाएगा, पास आता रहेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। थीटा क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। और साथ में ये तो कॉन्स्टेंट मैंने बोल ही दिया, और रेडियस जो है ये तो रेडियस, सर्कल का रेडियस, तो ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, आ रहा समझ में मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, थीटा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो इसकी इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, इधर ये हो जाएगा यहाँ पर, मतलब बेसिकली ये इसका लोकस हो जाएगा, राइट, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज आर कॉस कोसेक थीटा बाई टू इसका स्क्वायर हो गया, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, जहां से मैं अगर टेंजेंस ड्रॉप कर रहा हूँ, पैर ऑफ टेंजेंस ड्रॉप कर रहा हूँ, तो वो एक कांस्टेंट एंगल थीटा इन्वॉल्व करेगा।
आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा स्पेशल केस बनाया, मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ पर समझो लेट से थीटा कितना हो जाए, पाई बाई टू हो जाए। थीटा पाई बाई टू होने का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉइंट पी से जो पैर ऑफ टेंजेंस के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मुझे बताओ इसका लोकस क्या हो जाएगा, इसका लोकस हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आर, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक, यहाँ से निकाल लेते हैं अलग से, ये जाएगा कोसेक। अगर ये पाई बाई टू है और यहाँ पर थीटा बाई टू है तो ये कितना हो जाएगा कोसेक पाई बाई फोर हो जाएगा, और कोसेक पाई बाई फोर कितना होता है रूट टू, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू और इसका स्क्वायर हो गया। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से अब मुझे यहाँ पर नया लोकस क्या मिल गया, तुम देखो क्या डिफरेंस है यहाँ पर, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट रूट टू आर इसका स्क्वायर हो गया। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि ये जो ओरिजिनल सर्कल था, ओरिजिनल सर्कल भी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक ही है बीटा स्क्वायर, और ये तो सिंपली आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि ओरिजिनल सर्कल था वो तो आर स्क्वायर ही है। तो मैं ये तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर तुम ओरिजिनल सर्कल पे रेडियस को, ठीक है, रेडियस में अगर रेडियस की जगह अगर रूट टू आर कर दोगे तो तुम्हें इसका लोकस मिल जाएगा। किसका लोकस मिल जाएगा, जहां से, ठीक है, वो वाले सर्कल से कोई भी पॉइंट तुम चूज कर लो, यहाँ देखो डायग्राम में कोई भी पॉइंट तुम चूज कर लो वहां से हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, किसके बीच में, पैर ऑफ टेंजेंस के बीच में, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें यहाँ तक तो समझ में हमने क्या किया, इसको हम क्या करते हैं अब अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिख दिया, मैंने यहाँ पर ऐसे बोला, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर क्या था, ऐसे एक सर्कल लिया, इसके अंदर एक सर्कल बनाया, यहाँ पर इस पॉइंट से हमेशा ये क्या बन रहा है, 90 ही बन रहा है ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये वाले सर्कल को डायरेक्टर सर्कल बोलूंगा, ठीक है। और ये जो गिवन सर्कल है ये तो क्या है, ये तो उसका ओरिजिनल सर्कल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि अगर ओरिजिनल सर्कल यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसे लेते हैं एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्या करो आर की जगह रूट टू आर कर दो। अच्छा मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर के अंदर करना है, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह रूट टू आर स्क्वायर लिख दिया, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आर स्क्वायर की जगह रूट टू आर स्क्वायर नहीं लिख देना, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आर की जगह रूट टू आर लिखना है, ठीक है, मतलब जब स्क्वायर होगा तो अपने आप टू आर बनेगा वो, ठीक है, टू आर स्क्वायर बनेगा। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टर सर्कल कितना आ जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा रूट टू आर और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो टू आर स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्टर सर्कल, ये वो सर्कल है जहां से मैं कोई भी पॉइंट चूज कर लूँ उसके सर्कमफेरेंस से, मैं अगर यहाँ पर टेंजेंस ड्रॉप करूंगा, दैट इज पैर ऑफ टेंजेंस ड्रॉप करूंगा, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, 90 ही होगा। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया द लोकस ऑफ पी, पहली बात तो लिख दिया इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल, चलो इस डायरेक्टर सर्कल फर्स्ट लिख दिया। और कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिखते जाओ तुम्हें समझ में आता रहेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंस विल बी डायरेक्टर सर्कल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने डीसी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंस विल बी डायरेक्टर सर्कल। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने सर्कल बनाया, ठीक है, फिर तुमने क्या किया परपेंडिकुलर टेंजेंस बना दिए इस पे और बोला कि इसका लोकस फाइंड करो, तो इसका लोकस तो क्या है, बेसिकली डायरेक्टर सर्कल ही तो है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लिया थर्ड, ऐसे लिख लिया लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट टेंजेंस फ्रॉम विच, ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट टेंजेंस फ्रॉम विच, टेंजेंस फ्रॉम विच मतलब जहां से मैं टेंजेंस ड्रॉप करूंगा, टेंजेंस फ्रॉम विच टू गिवन सर्कल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक साथ, ठीक है। तो ये भी बोल सकता हूँ द लोकस ऑफ अ पॉइंट टेंजेंस फ्रॉम विच to the tangents from which to the given circle are mutually perpendicular is called
डीसी, ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। सब मैं एक ही लैंग्वेज लिखा हूँ, ठीक है, बस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, वर्डिंग्स को चेंज कर रहा हूँ। चलो एक और लिख लिया, ऐसे लिख लिया इफ टेंजेंट्स इंक्लूड 90 डिग्री एंड इफ इट इज कॉन्सेंट्रिक विथ a given circle and also radius is root 2 times लिखना चाहिए, right? तो इसको सही कर लेते हैं, root 2 times the given circle, then इट इज कॉल्ड डी सी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, मैंने बहुत जल्दी लिख दिया इसको, आई होप तुम्हें हैंड राइटिंग समझ में आ जाए, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल कर लिया हमने। उसके बाद एक और रिजल्ट ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लिया, यहाँ पर पैर ऑफ टेंजेंट्स, ओके, पैर ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो क्या करना है इसमें देखते जाओ, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, उसका मुझे क्या करना है, एरिया निकालते जाना है। कैसे निकाल दिया, देखो पहले तो मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया यहाँ पर, कोई भी जी एफ सी सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स ले लिया प्लस टू एफ वाई ले लिया प्लस सी, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैंने बना दिया कि ये सर्कल कुछ इस तरह से है ये, ओके। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, पैर ऑफ टेंजेंट्स कैसे बनाओगे, कोई ना कोई पॉइंट तुम ले लो यहाँ पर बाहर, यहाँ से तुमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया इधर, फिर क्या किया, यहाँ से तुमने एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है, मतलब जो भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, उसको क्या किया, ज्वाइन कर लिया। आई होप तुम्हें समझ में आता है ये चीज, ठीक है। तो मैंने इसको क्या पर क्या बोल दिया, लेट्स इन पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है, इसको सी बोल दिया, फिर यहाँ पर कोई सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर को मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, लेट्स से यहाँ पर इसको डी बोल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, मुझे पता है कि ये कितना, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये रेडियस है, ठीक है, और ये कितना, ये भी रेडियस है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से ये, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, अच्छा ये लाइन लेंथ कितनी होगी, ये तो ये यहाँ पर क्या है, टेंजेंट की लेंथ है, इसको मैंने क्या बोल दिया L, कैसे निकालते हैं इसको L को, इस चीज से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर क्या रखो तुम S1, मतलब क्या बोल दिया, कौन से कोऑर्डिनेट बोल दिया, A के, चलो A के कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया, H, K मान लिया कुछ, आई होप समझ में आता है ये चीज, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये और ये यहाँ पर क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी एंगल यहाँ पर क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, तो इसको मैंने थीटा ले लिया, तो इसको भी मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक एक चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है AD की, ठीक है, मतलब कौन सी लेंथ बोल दी, सेंटर से लेके यहाँ पर ये जो जिस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूँ इसकी लेंथ कितनी है, तो तुम देख लो, ये तो सिंपल पाइथागोरस दिख रहा है तुम्हें, कैसे देखो, ये एक बन रहा है इधर, इस साइड देखो, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है तुमको, ए भी दिख गया, ठीक है, ये तुम्हें दिख गया, यहाँ पर ये क्या है, 90 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया इसका, ये यहाँ पर एल है, यहाँ पर ये कितना है, आर है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फेयरली इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आता है ये चीज, ओके। अच्छा मुझे ये चीज बताओ, अगर ये यहाँ पर थीटा है, देखो कहाँ पर, ये अगर मैंने यहाँ पर थीटा बनाया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सही है, और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका सम कितना है, 90 है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, कि दिस इज थीटा, फाइन, अच्छा ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन थीटा लिखा, किस ट्राइंगल के लिए, देखो ये इन ट्राइंगल ए बी और डी लिख लिया, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल बोल दिया, ठीक है, ए बी और डी, अगर यहाँ पर समझो मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ, तो साइन थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट तो यहाँ पर कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है, और हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, ए डी, मतलब अपोजिट यहाँ पर किसको बोल दिया मैंने, ये क्या है, यहाँ पर बी डी है, राइट,
और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ में आता है ये चीज? ठीक है, अब वैसे अगर मैं समझा यहाँ पर कॉस थीटा पूछ रहा हूँ तो कॉस थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा विल बी आर बाय एल। ठीक है,